चलो आज हम सीखने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड के जनरल नॉलेज बुक का 25th चैप्टर, जिसका नाम है लेट अस नो। ऑलराइट? यस। ये बुक में सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है? यस। आप लोग ये जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में भी ये सब आने वाला है, ठीक है? यस। एग्जाम में अगर नहीं भी आया लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही सही चैप्टर्स है। ऑलराइट? यस। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब जो भी हमारे क्वेश्चन दिए उसके आंसर करना है, बट कैसे? आगे फोटो भी दिया क्लू के लिए, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शंस भी है, ठीक है? yes. तो उसमें से हमको राइट क्वेश्चन राइट आंसर्स चूज करने, ठीक है? yes. उसके पहले एक इंफॉर्मेटिव चीज आपके लिए बताना चाहता हूँ। आर यू अवेयर, क्या आप जानते हैं द कैक्टस प्लांट डज नॉट हैव लीव्स? वाओ, ये तो पता है हमको। yes. क्यों? ठीक है। द कैक्टस प्लांट डज नॉट हैव लीव्स, करेक्ट? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज टेली मीन, राइट? देखो राइट साइड में टेलीस्कोप दिया हुआ है। टेलीस्कोप से हम क्या देखते हैं? दूर का देखते हैं, बादल में, राइट? ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फार। हमको मून वगैरह देखना है तो टेलीस्कोप देख सकते, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आता है वो देखने के लिए, लेकिन रात को देखना पड़ेगा, ठीक है? यस। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज विच, हाँ वहाँ पे लिखो फार, FAR, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? ये तो सबको पता है। यस। द करेक्ट आंसर इज मर्क्यूरी। लिखो MERCURY, थोड़ा स्पेस देके लिखो तो अच्छा रहेगा। ओके, व्हाट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम? क्या आएगा? द सन ना। ओके yes. okay, दिया भी हुई है, फोटो में क्लू भी हुई है, ठीक है? द सन लिखो। द सन। व्हाट इज फ्रोस्ट? फ्रोस्ट मतलब क्या? देखो राइट साइड में एक लड़का है जो नाच रहा है और आजू बाजू पूरा बर्फ गिरा हुआ, ठीक है? yes. उसका मतलब क्या होता है? फ्रोजन ड्यू, राइट? यस। फ्रोजन ड्यू मतलब जमा हुआ ये बर्फ, ठीक है? yes. लिखो FROZENDEW। हाउ डू फ्रॉग्स ब्रीथ अंडर वाटर? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है फ्रोजन ड्यू, टिक मार्क करो, वो भी हो गया है। जापानी सिल्वर, विटामिन सी नहीं, थ्रू देयर स्किन्स, करेक्ट? यस। लिखो थ्रू देयर स्किन्स, थ्रू THROUGH, देयर THEIR, SKINS, ठीक है? ओके yes. okay, चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज सायोनारा मीन्स गुड बॉय इन विच लैंग्वेज? ये तो पता है अपने को, हमने गाना सुना रहेगा ना, सायोनारा yes. सायोनारा है ना, यस। जापानीज। चलो लिखो, एक मूवी आया था मालूम है ना, यस, जापान लव इन टोक्यो, कौन सा पिक्चर था वो? ठीक है, लिखो JAPANESE, लव इन टोक्यो करके पिक्चर था शायद, जो पिक्चर उसमें गाना है ये। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन इज नेम द प्रेशियस मेटल यूज्ड इन फोटोग्राफी, ठीक है? yes. क्या मेटल यूज होता है उसके अंदर फोटोग्राफी में? सिल्वर, करेक्ट? yes. इसको टिक मार्क करो, थ्रू द स्किन टिक मार्क करो पहले, और वो भी टिक मार्क करो, हाँ सिल्वर लिखो, SILVER, ठीक है? यस। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज द लैक ऑफ विच विटामिन कॉसेस कर्वी? विटामिन सी, एक ही तो बचा हुआ है। विटामिन सी की कमी से आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, तो बेटर आप लोग विटामिन सी ज़रूर इनहेल क्या बोलते हैं लीजिए, ठीक है? जैसे कि उसका मतलब खट्टे चीज़ें आप लोग खाओ, ताकि दांत को हर एक टेस्ट मालूम पड़ेगा, तब वो प्रॉपरली आएगा, ठीक है? यस। ठीक है, लिखो विटामिन सी, VIT, TAMIN, MIN, C
सी, ठीक है? यस। ओके, समझ में आ गया बच्चे लोग? यस। कैसा लग रहा है आपको ये सब सीरीज, कैसा लग रहा है ये वाला? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ। तो ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से इसको सब पढ़ते रहिए, और बच्चे जो आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करिए। ऑलराइट, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इस सीरीज़ की बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हुए जो अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? यस। चलो बाय, टेक केयर। बाय।